सो गाइज वेलकम बैक अगेन। आई होप सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से सुनाई दे रही होगी। और लाइव सेशन अगेन हमने दोबारा से स्टार्ट किया है, क्योंकि एक लाइव सेशन हमने किया था बट वो ड्यू टू सम रीज़न हमने देखा कि भाई वो दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम पीरियड पे हुआ था, बट सम रीज़न वो ख़त्म हो गया और 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे जो हमें करने थे कवर, वो पूरे के पूरे कवर नहीं हो पाए। तो 100 क्वेश्चन के जो पार्ट हमने कवर करे थे उसमें से 50 क्वेश्चंस पहले हो गए थे वीडियो के पार्ट में। अभी ये दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ है और ऑफ कोर्स इस दूसरे पार्ट के अंदर हम आगे देखने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन क्या कहते हैं पहले हो गए थे। आप देख सकते हैं हमने बताया था कि जो भी आज हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर पहले से ही अवेलेबल है, तो आप सभी लोग वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू होगा नहीं आप सभी लोगों को, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस हमने बता देते हैं, सॉरी ये क्या क्या शेयर करा है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट सभी के लिए अवेलेबल है वगैरह वगैरह चीज़ें हमने देख ली थी। क्या ये ऑफकोर्स कंटिन्यू करेंगे हम लोग, किसके लिए कंटिन्यू करेंगे हम सारे लोग? पॉलिटिकल के लिए कंटिन्यू करेंगे हम, और थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री भी देखेंगे, थोड़ा सा उसमें ज्योग्राफी भी देखेंगे क्योंकि ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ये ऑफकोर्स पॉलिटिकल साइंस पेंडिंग था। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट जहाँ से आप शेयर कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करने की थोड़ी सी कोशिश करें आप फटाफट। मैं आप सभी की सारी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है भाई? जितने भी लोग हैं क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर यस है तो ऑफ कोर्स मुझे बताइए। यस सर, ठीक है, आ रही है सभी लोगों को। काफ़ी बच्चे अभी नहीं आए हैं, काफ़ी बच्चों ने आना, ठीक है कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं, बाकी वो जुड़ते चले जाएंगे सारे बच्चे, है ना, जुड़ते चले जाएंगे। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस प्लस 50 क्वेश्चंस सारे कुछ हमने कवर करे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और वैसे भी अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन हो रखे हैं तो भी आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको वहाँ पर रिकॉल करने के लिए बहुत आसानी रहेगी, तो वहाँ आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है इसीलिए, है ना। तो इस पर थोड़ा सा फोकस आप लोग कर लीजिएगा। हमने वीडियो यहाँ पे भी रोकी थी, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तो ये हमारा एक बहुत एक बच्चों के लिए मोटिवेशन था कि भाई ये सही बात है, ऐसा है भी सच, है ना। तो ये हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, है ना। नेक्स्ट फिर हमने 25 क्वेश्चंस के बाद फिर हमने 50 क्वेश्चन ख़त्म करे, और 50 क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद फिर हमने यहाँ पे ये मैप वाला नहीं कराया था मैंने, फिर ये वाला, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही अक्सर मंजिलों तक पहुँचता है। तो आप विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस रखिएगा,
अपने काम पे विश्वास रखिएगा, आप मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। या ठीक है, तो एवरी वन लाइक द सेशन सो द नोटिफिकेशन पास टू ऑल। या सही कह रहे हैं, जितने भी हैं अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है वो, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम पे तो वहाँ पे तो लिंक जल्दी से पहुँच जाता है, लेकिन क्या होता है कि यूट्यूब जो है ना रिकमेंड भी उनको ही करता है जिनको क्या कहते हैं आप ज़्यादा देख रहे हैं, वॉचआउट कर रहे हैं, है ना, उनको रिकमेंड कर देता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको ज्वाइन करें या दूसरे लोगों को भी ज्वाइन कराने की कोशिश करें, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं। देन फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कवर पॉलिटिकल के, हमने ये क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम पीरियड में बताया था कि जे एफ कैनेडी थे, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन के बाद वीडियो जो थी वो ख़त्म हो गई थी, है ना, इस वाले क्वेश्चन के बाद। तो फटाफट क्वेश्चंस को लगाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि अरब रेवोल्यूशन जो था, अरब 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 की क्रांति, सॉरी अरब क्रांति जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, हमने इसके बारे में इसमें डिस्कस करना है, अरब क्रांति के बारे में। तो अरब क्रांति कहाँ से हुई थी, तो ऑफ कोर्स टूनिशिया इज़ अ प्लेस, टूनिशिया हमने इसका आंसर लिखा था, टूनिशिया आप देख सकते हो अफ्रीका की कंट्री है टूनिशिया, वहाँ से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना, डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका था कि आशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, आशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जो है किसने शुरू करी थी। मोस्टली बच्चों का आंसर गलत था, लियोनार्ड ब्रिशनेव इसका आंसर था, और इसके ऊपर हमने बात भी कर ली थी और यहीं से हमारी वीडियो जो थी वो ख़त्म हो गई थी, है ना। अब उसके आगे हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन जो ऑफ कोर्स तड़कता भड़कता आप सभी के सामने, ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक हो गया था कि रशिया की क्रांति, मतलब इसको हमें क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना था, क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना था, तो क्रॉनिकल ऑर्डर आपके लिए बहुत आसान था, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा जो है दोस्तों रशियन रेवोल्यूशन है, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो ऑफकोर्स डी सबसे पहले आना चाहिए था, तो डी के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो फैक्ट था, इसीलिए यहाँ पे आप फिफ्थ का जो है वो ए टिक करेंगे, है ना, ये हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे भी पढ़ लिया था हमने क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका था, ये था कि बोरिस यल्तसिन जो थे रशिया के पहले क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बने थे निर्वाचित, लास्ट मिखाइल गॉर्बाचेव थे, पहले व्लादिमिर लेनिन थे, है ना, तो इतना आपने याद रखना है। अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका था और यहाँ पे किसी बच्चे ने आंसर बताया था कि ओनली ए और क्या कहते हैं बी ही इसका ऑप्शन सही है, सी जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें फुल टाइम 8 मेंबर नहीं होते हैं नीति आयोग के अंदर, तो इसी हिसाब से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, ये मुझे याद है एक बच्चे ने आंसर हमें करा था इसके बारे में। तो ये बताइए मुझे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका क्या, सी सी जो है सी वाला पार्ट क्या ये सही था या गलत था, ओनली बी यहाँ पे लिखा है, ओनली बी, बोथ, या बोथ हो सकता है ना, मुझे भी बोथ लग रहा है, ए एंड बी होगा, सी इसमें ऑप्शन गलत है सर मैंने, या ज्योति ने बताया था, या कब होगा लाइव नॉट लाइव, मतलब यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहे हैं भाई, चलिए कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन सही हो गया था हमारा। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, वर्तमान समय में नीति आयोग का जो क्या कहते हैं वो थे अध्यक्ष, यानी कि सॉरी करंट सीईओ वो अभिताभ कांत थे, आईएएस ऑफिसर हैं, ज्योति ने इसका आंसर बताया था, हाँ मुझे याद आ गया, ज्योति ने ही बताया था, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था अभी, है ना, अमिताभ कांत जो है ऑफ कोर्स पहले अभी एट प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के योजना नीति आयोग के सीईओ हैं, ये भी हो गया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका था, इसका एंड्यूरिंग फ्रीडम आंसर था 9th क्वेश्चन कि वर्ल्ड टेरर किसको बोला जाता था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने अभी चेंज हो गया, या अब चेंज हो गया है, यूनाइटेड नेशन का अगर चेंज हो गया है तो आई थिंक वी नीड टू चेक दिस आउट कि 8th क्वेश्चन का क्या कहते हैं चेंज हो चुका है, तो 8th क्वेश्चन का सीईओ चेंज हो गया है, तो ऑफकोर्स ये करंट फैक्ट हो सकता है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसका करंटली क्या है ना, तो इसे देख लीजिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, यहाँ से स्टार्ट है, देखो
इतना हमें पता है कि जो शोक थेरेपी था, शोक थेरेपी, उसकी शुरुआत यूएसएसआर के अंदर, यूएसएसआर के ख़त्म होने के समय हुआ था। यूएसएसआर जैसे ही ख़त्म हुआ, रशिया ने उसको ओवरटेक कर लिया। लेकिन दोस्तों, हमें ये बताना है कि रशिया जैसे ही बना, तो शोक थेरेपी हमारे सामने WTO के द्वारा, सॉरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा और साथ में IMF के द्वारा पेश कर दिया गया। और जो शोक थेरेपी था, उसके इनमें से कौन से परिणाम नहीं थे? तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आप देखें, ये है सी ऑप्शन, ये परिणाम नहीं हो सकता। 10वें का सी, सी सी ऑप्शन जो है नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ द रूबल करेंसी राइज ड्रामेटिकली, ये नहीं है। रूबल करेंसी की वैल्यू गिर चुकी थी, ये याद रखिएगा। रूबल करेंसी की वैल्यू में कमी आई थी, ना ही कि बढ़ा था। तो ये इसका जो ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन गलत था। तो इस पे ज़रूर फोकस कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्शन ऑफ कोर्स डेफिनेटली 100% गलत था। तो हमें ये वाला ऑप्शन इसमें बताना था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक हो चुका था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव बने थे, बान की मून, वो साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे। लेकिन आपने ये बताना था कि वो कितने नंबर पे थे, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे या 8वें पे। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपसे जानबूझ के पूछा गया है। इतना डीपली क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए सरकार को, लेकिन फिर भी वो पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे प्रेजेंट टाइम का लगा कि प्रेजेंट टाइम का पूछना चाहिए। वरुण अग्रवाल का सबसे पहले आंसर आया एर्थ, एर्थ थे। ज्योति श्रुति ने भी बताया है, ज्योति ने भी बताया है, उसके बाद गुलफ्ता ने भी बता दिया। वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर इज़ योर कोचिंग सेंटर? ओ माई गॉड, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड माई कोचिंग सेंटर इज इन दिल्ली। ओके ठीक है, नेक्स्ट। ये रहा, ये एक कथन था, ये बताया गया था कि यूएनओ अगर बनाया गया है, यूएनओ अगर बनाया गया है, तो यूएनओ बनाया किसके लिए गया था? उसमें एक क्या कहते हैं, एक व्यक्ति थे जिसने बताया कि असल में जो आपको यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, वो आपको मानवता के स्वर्ग तक नहीं पहुंचाता, बल्कि आपको नर्क बचाने से बचा लेता है। असल में नर्क जाने से बचा लेता है। असल में यूएन का मेन काम था, असल में यूएन का मेन काम था कि कहीं पे भी वॉर हो रहा हो, कहीं पे क्या कहते हैं, कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रही हो, कहीं पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही हो, तो ऐसे टाइम पीरियड पे यूएन जो है रेफरी की तरह दादा बन के सबके सामने आ जाता है। और सबके सामने आता है रेफरी बन के, तो ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति जो थे, हमारे डैग करके इनका नाम है, थोड़ा नाम टफ है, तो आप इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा। तो इसका हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। मानसी है, वरुण है, मोहम्मद मोहम्मद आ चुके हैं यहाँ पे, मोहम्मद आमीन करके इनका नाम है, आमीन। ज्योति है, वरुण अग्रवाल है, ये ऑफ कोर्स ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सही है। जो जो वीडियो को लाइक करता जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। शेयर ज़रूर करते रहिएगा, बहुत क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्लोबल इशू मीडिया टू अटेंशन द ह्यूमन राइट्स अब्यूज़। मतलब इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स, अगर किसी का ह्यूमन राइट्स ख़राब होता है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो असल में क्या कहते हैं आपको ये बताने की कोशिश करती है? आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहिए ताकि आपको दिखाई दे क्लियर। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको ये। तो इसमें से कौन सा है भाई? ह्यूमन राइट्स वॉच, बिल्कुल सही, ह्यूमन राइट्स वॉच। ऑफ कोर्स ये ह्यूमन राइट्स वॉच एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स का अधिकार खराब हो रहा है, हनन हो रहा है, तो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ऑफ कोर्स हमारी मदद करती है और वो हमारे जितने भी अधिकार है उसको बचाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किसका उत्तराधिकारी के रूप में आया? जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। देखो, यूएन जो है, यूएनओ, ये पहले इसका नाम यूएनओ नहीं था, इसका नाम था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। ऐसे ही WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। असल में विश्व व्यापार संगठन का पहले नाम क्या था वो हमें बताना है। ये ऑफ कोर्स ये बताइए, गेट, बिल्कुल सही, गेट।
गेट में देखो, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इन 1992 है, 1995 नहीं, आई थिंक ये गेट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसका सही आंसर जो है, सर क्यूट की क्लासेस है क्या कोई बताए? या ऑफ कोर्स उमेश जी, यार थंबनेल नहीं देखा क्या आपने? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको थंबनेल देख के भी पता नहीं चल रहा है। चलो कोई नहीं, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में प्रथम चुनाव के पहली बार चुनाव करवाया गया था? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि भारत के अंदर पहली बार इलेक्शन जो करवाया गया था वो आज़ादी के टाइम पीरियड पे भी नहीं हुआ था, आज़ादी के टाइम पीरियड से पहले इलेक्शन हो गया था। तो वही अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, आज़ादी के टाइम पीरियड से पहले हो गया था। डेली लाइफ विद फुल एनर्जी, ऑफकोर्स डेली ही होता है यार लाइफ भाई। तो यहाँ पे आंसर जो है, ऑफकोर्स क्या हो गया इसका आंसर, मणिपुर। मणिपुर के बोधचंद जो थे, ऑफकोर्स उनके लिए इलेक्शन करवाया गया था और यहाँ पे मणिपुर के अंदर सबसे पहले इलेक्शन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राज्य पुनर्गठन आयोग डैश में और राज्य पुनर्गठन आयोग में पास हुआ, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया कब गया था और उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो पास कब हुई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बिफोर इंडिपेंडेंट, या ऑफ कोर्स मोहम्मद जी सही बता रहे हैं आप। ये वाला आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका मेन काम था कि राज्य को क्रिएट करना, बनाना उनको, और इस हिसाब से राम निवास, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भाई, ओके, 1953 के अंदर ये बना और 1956 के अंदर दोस्तों इसकी रिकमेंडेशन हमारे सामने आई और उस हिसाब से इसने यूनियन टेरिटरीज और साथ में यूनियन टेरिटरी के साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स भी क्रिएट करके दिखाए। तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आप इसका आंसर बी लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कोई रास्ता नहीं जहाँ से इन दो भागों को जोड़ा जा सके, निम्न में से किस वाक्य से ये मेल खाता है? बताइए, निम्न में से कौन से वाक्य से ये मेल खाता है? देयर वर नो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द वेस्ट एंड द वन इन द ईस्ट, देयर वर टू बेल्ट, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज वेस्ट, देयर वर टू एरिया विद इन द बॉर्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, देयर वर टू एरिया विद इन द बॉर्डर ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान। ज्योति ने बताया है सही आंसर, ज्योति ने, सॉरी ज्योति ने तो उसका आंसर बता दिया। यहाँ पे ये बताइए कि 17 का कौन सा हो सकता है? 17 का ए, मोस्टली बच्चे बता रहे हैं 17 का ए होना चाहिए। ज्योति का ये भी आंसर आया है हमारे पास, मोहम्मद का भी आंसर आ गया हमारे पास, और कोई? नंदनी अग्रवाल कह रहे हैं, सर क्या आप क्लास 12th की इकोनॉमिक वीडियो भी बनाते हो? इकोनॉमिक वीडियो जो है अभी नहीं बन पा रही है क्योंकि इकोनॉमिक की लाइव वीडियो नहीं बन पा रही है, वैसे सेशन आएगा आपके लिए, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड जो लेक्चर होता है वो आएगा। देखिए, तो अभी ये इसका जो हमने ऑप्शन में आंसर बता रहे हैं बच्चे, वो क्या कहते हैं, बता रहे हैं ए, आस्था ने भी आंसर ए बताया है इसका, आस्था इज़ बैक इज़ ऑल्सो हेयर, ओके सर पीएड का हिस्ट्री, अरे यार ठीक है, तो ये सही है ऑप्शन ए, ठीक है, सभी को पता ही है इसका आंसर पहले से ही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा,
ये देखिए क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या है। ओके, मेघालय असम राज्य में से किस क्षेत्र को 1972 में अलग करा गया? इसका आंसर है मेघालय। तो मेघालय इज़ अ राइट ऑप्शन, 1972 आप ये देख सकते हैं, मेघालय इसका सही आंसर इसमें आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है। ये रहा, ये नागमणि के लेखक और संपादक ये कौन है? इस बार बीजेपी की सरकार ने इसको हटा दिया है, आपको बता दूं मैं, एक करंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए, ये वाली बीजेपी सरकार ने इस बार क्या कहते हैं इसको हटा दिया है भाई ना। ओके भाई ओके, वो थोड़ा सा मैं कुछ चेक कर रहा था, थोड़ा सा कुछ मैं डेटा चेक कर रहा था। ठीक है, अभी ओके है, आप ही बताइए। देखिए ये वाला पार्ट ना, मैंने क्या बताया कि इस बार सरकार ने इसको हटा दिया है, मतलब क्योंकि अभी किसी कारणवश हिंदू मुस्लिमों का सीन चल रहा था देश के अंदर, इसीलिए इनमें से जो व्यक्ति है ना, फैज़ फैज़ अहमद फैज़, इनकी एक क्या कहते हैं वो लिखी गई, सॉरी नागमणि तो इनके द्वारा लिखी गई है आई थिंक, हाँ नागमणि के संपादक जो है वो अमृता प्रीतम है, लेकिन दोस्तों फैज़ अहमद फैज़ की जितनी भी शायरी शायरियाँ थी वो इस बार ऑफकोर्स हटा दी गई है, क्योंकि मुस्लिम विवाद चल रहा था इंडिया के अंदर, हिंदू मुस्लिमों का सीन चल रहा था, इसलिए इस बार क्लास 12th के अंदर से मुस्लिम का जितना भी चैप्टर था वो हटा दिया, उसके बाद क्लास 11th से मुसलमानों को जितना भी पार्ट था वो हटा दिया, जो मुझे लगता नहीं हटाना चाहिए था भाई। एजुकेशन के लेवल पे आपको धर्म जाति लेके नहीं आनी चाहिए थी, तो इसीलिए ये मुझे गलत लगा, नहीं होना चाहिए। यहाँ नागमणि के लेखक जो है वो क्या कहते हैं अमृता प्रीतम है, और फैज़ अली फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है विभाजन के समय सांप्रदायिक क्षेत्र कौन कौन से थे? कम्युनल जोन कौन कौन से थे? लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली, मुंबई एंड ग्वालियर। तो हमें ये बताना है कि जिस समय दंगे हो रहे थे, जिस समय दंगे हो रहे थे उस टाइम पीरियड पर पूरे के पूरे भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे जोन बने हुए थे, सबसे ज़्यादा दंगे वाले क्षेत्र थे? तो दोस्तों दंगे वाले क्षेत्र हमें अच्छे तरीके से पता है कि भाई लाहौर था, अमृतसर था और कोलकाता था। लाहौर क्यों था? क्योंकि वो उसके टच में। कलकत्ता क्यों था? क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था। उसके बाद लाहौर, अमृतसर, अमृतसर पंजाब के इलाकों के आसपास था, तो इसीलिए इसका लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जो है वो आंसर आएगा। निधि अग्रवाल ने अपने दिलों की गहराइयों से मैसेज भेजा है, और वो भेजा है कि सर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच निधि जी, आपने ये अप्रिसिएशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट है हमारा एक अच्छा थॉट, मुश्किल नहीं है तो कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, है ना। तो ये थोड़ा सा आप सभी लोगों के लिए है मोटिवेशनल, जो आपको क्या कहते हैं समझ में आना चाहिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो ज़रा कोशिश तो कर, है ना। तो मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है, आपके ख्वाब बदलेंगे ज़रूर, आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है। हिम्मत और कोशिश दोनों को बनाए रखें और पेपर की तैयारी में लग जाएं, और बहुत बेस्ट होगा, बहुत बढ़िया होगा आप सभी लोगों का पेपर, और बस जी जान से प्रैक्टिस में लगे रहें। कोई भी ख्वाब जो है आप पूरा करना चाहेंगे वो ज़रूर पूरा होगा, बस आपने हिम्मत और कोशिश दोनों बनाए रखनी है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ठीक है, ओके ठीक है, बहुत मतलब ये मोटिवेशन बीच बीच में मिलते रहना चाहिए ना आप लोगों को, ताकि आप सभी लोग मोटिवेट भी होते रहे, है ना।
ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है, 1960 में किस राज्य को बनाया गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। 1960 के अंदर ऑफकोर्स हमें उस टाइम पीरियड में पता है महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमें लिखना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, एनडीए, एनडीए कब बना? तो एनडीए है, क्या कहते हैं एनडीए को, क्या बोलते हैं भाई? हाँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए, एनडीसी लिखा हुआ है इसमें, ये एनडीए होना चाहिए आई थिंक। ये न्यू सिलेबस के अंदर जो चीज़ें ऐड हुई थी वो इसके अंदर क्या कहते हैं आ गया है। और यहाँ पे ये जो 22nd है उसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ये बना 1992 के अंदर था, ये मैंने सर्च करा था ऑनलाइन, ये एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके ठीक है, ये नया टॉपिक के अंदर कुछ था, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। सर एनडीसी ही है। अच्छा ठीक है, एनडीसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय सरकार ने पंचवर्षीय योजना को विराम देने की कोशिश करी? इसे प्लान हॉलिडे बोला जाता है। मतलब हमें पता है कि हर 5 साल सरकार कोशिश करती है कि अपना पैसा कहाँ खर्च करेगी, कहाँ खर्च नहीं करेगी, तो इस हिसाब से आपने ये बताना है कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि सरकार ने कहा कि यार रेस्ट करने की ज़रूरत है, हम कंटिन्यू ही काम करते रहेंगे तो ऑफकोर्स हमें दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम कंटिन्यू काम नहीं करेंगे, हम लोगों ने कोशिश ये करा कि हम रेस्ट भी लेंगे। तो रेस्ट लेने का टाइम था जिस समय पे इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, 1967 के अंदर सरकार आई थी, उसी टाइम पीरियड के अंदर रेस्ट लेने की बात करी गई थी, एंड दिस इज़ कॉल्ड प्लान हॉलिडे। आपको आई थिंक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्लियर क्लियर, बहुत छोटा लिखा हुआ है लेकिन ऑफकोर्स यहाँ से आपको दिख जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं 1956 से 61 सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान ऑफकोर्स 1961 से 66, और ये फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है ये जब बनाया जा रहा था 1966 से 67 के बीच में, तो इसी टाइम पीरियड पे विराम दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपको ये देखना होगा, और इस हिसाब से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा 1966 से 1960। ये पेपर में आते पीसीएस के, यूपीएससी के, मेरे पेपर में जो अभी मैं पीसीएस का पेपर देके आया था उनके अंदर तक ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका बेस यहीं से बनता जा रहा है। इन फ्यूचर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है कि आप बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स ऑन इकोनॉमिक ऑफ पैरानेंस जो है इसके लेखक जो है कौन है दोस्तों? इसके लेखक जेपी कुरियप्पा है। जेपी कुरियप्पा इन्होंने उस टाइम पीरियड पे बुक लिखी थी, योजना आयोग के सदस्य थे और उस टाइम पीरियड पे ये बुक लिखी गई थी। ये बुक बेस्ड है इकोनॉमिक पे, जो बताती है असल में कि हमें किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए, इकोनॉमी में किन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 25, ये इसमें एक में एसरेशन है, दूसरे पे रीज़न है, और फिर आपको बताना है। पहला है कि सोवियत संघ ने क्यूबा को रशियन क्षेत्र में बदलने की कोशिश करी, ऑफकोर्स करी थी, ये तो हमें पता है कि सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इंटू रशियन बेस, ये करा था उन्होंने, और क्यूबा वॉज एन एली ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। बिल्कुल सही, यहाँ पर दोनों ही दोस्तों सही है, ये दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बात ये हुई है कि क्यूबा को वो बेस बनाना चाहता था, बिल्कुल सही, और वो रीज़न ये है कि ऑफकोर्स क्यूबा को फाइनेंशियली मदद मिल रही थी वहाँ से, भाई फाइनेंशियली मदद मिल रही थी ना, क्यूबा को अच्छी तरीके से पता था कि भैया अगर मुझे यूएसए से अच्छे यूएसए से बचना है, यूएसए से मुझे अगर बचना है तो मुझे किसी दूसरे का तो सहारा लेने की ज़रूरत है, तो उसने यूएसएसआर का सहारा ले लिया, और यूएसएसआर का सहारा लेके यूएसएसआर ने सोवियत को अपना बेस बना लिया जिससे वो अमेरिका को निशाने पे ला सके, और इस हिसाब से क्यूबा का भी फायदा हो रहा था, इसीलिए इसमें दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है और दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था, ये बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पे हिरोशिमा और नागासाकी पे। सर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सर इस बार पास हो जाओगे? रह गया यार मैं, इस बार रह गया भाई।
इस बार रह गया मैं, अब अगली बार देखेंगे। कुछ नंबरों से मैं रह गया, चेक कर लिया मैंने। तो ये जो है लिटिल मैन एंड फैट बॉय, ये हमारा जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, लिटिल मैन एंड फैट बॉय कितने किलो के थे? अभी ये भी पूछ लेता है कभी कभार एग्जामिनर, इतने जज्बाती हो जाते हैं कभी कभार वो लोग। इसमें से पूछा हुआ है कि कौन सा कथन खराब है, गलत है। ये बहुत डीपली क्वेश्चन था तो मैंने इसे निकाल के ढूंढ के बताया। तो ये दोस्तों, ये वाला जो सेकंड है ना, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन, इसका टाइम पीरियड है 3 जुलाई 1993, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ लिखा है 3 मार्च 1995। तो इसमें ये वाला जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो इस पर आप फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य नहीं दर्शाता, मतलब मेन कौन सा है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो गुटनिरपेक्ष यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट्स की जो भी आइडियोलॉजी है, सोच है, उसको नहीं दिखाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि ये चीज़ तो है ही नहीं नेम के अंदर। तो वो कौन सी है? क्या वो कहता है कि नव उपनिवेशिक देशों को सक्षम बनाने के लिए स्वतंत्र नीतियों के निर्माण का मौका देना, किसी भी प्रकार के सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति का पालन करना, वैश्विक आर्थिक असमानता का उन्मूलन पर ध्यान देना। फोर्थ, इसका फोर्थ हो सकता है, फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। अच्छा, कौन सा नहीं है, सॉरी नहीं है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, ये तो है भाई, वैश्विक मुद्दों से तटस्थता, ये नहीं हो सकता। वो न्यूट्रलिटी अपनाता नहीं है वैश्विक मुद्दों पे, वो आ जाता है सामने, खुल के आ जाता है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से गलत बताना है कौन सा है, गलत कथन बताना है कौन सा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गलत बता के मुझे कमेंट करिएगा कि इसका गलत कौन सा हो सकता है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन हो गया। सोवियत संघ क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान, स्थिति युद्ध के दौरान आए कई संकट में से एक था। दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट सोवियत संघ के संगठनों में से आए में से कई में से एक था, बिल्कुल सही। और स्थिति युद्ध के कारण कई शूटिंग युद्ध भी हुए थे, ये बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। पर स्टेटमेंट जो है सही तरीके से बैठ नहीं रही है, केवल एक, सॉरी यही नहीं था, गलत है। देखो ये देखो, इसमें लिखा हुआ है कि 30 का देखिए, 30 का, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान आए कई संकटों में से, कई क्राइसिस में से केवल एक था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं भाई, केवल एक नहीं था, बहुत सारे आए थे। तो ये तो डी ऑप्शन वैसे ही ठीक हो गया, डी ऑप्शन वैसे ही ठीक हो गया। ये ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन जी एनटीए का मैं मॉक टेस्ट जो भी होगा वो मैं करा दूंगा, पहले हम ये कवर कर रहे हैं, फिर वो मॉक टेस्ट भी कवर करेंगे। नेक्स्ट है, स्विज नहर संकट के दौरान कौन था? स्विज नहर संकट, आपको पता होगा कैनाल जो है 1861 के टाइम पीरियड में खोली गई थी, नहीं तो पहले पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ता था, है ना, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ता था। और इसमें ये पूछ लिया गया है, इसमें ये पूछ लिया गया है कि आप ये बताइए कि जिस समय स्विज कैनाल खोली जा रही थी तो उस टाइम पीरियड के अंदर कौन था, कौन था? तो अब्दुल नासिर गमाल करके इनका नाम है, ये इजिप्ट के उस टाइम पे क्या कहते हैं हेड थे। आप देख सकते हो इजिप्ट के अंदर 15 क्या कहते हैं 1952 से लेके 1970 के टाइम पीरियड पे ये थे, और उस टाइम पीरियड पे स्विस कैनाल के जो कॉन्फ्लिक्ट का दिक्कत चल रहा था 1956 के अंदर, उस टाइम पीरियड पे अभी हमें देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नेहरू की विदेश नीति नहीं है? तो पंचायत को बढ़ावा देना, ऑफकोर्स ये विदेश नीति का पार्ट हो ही नहीं सकता है, कि विदेश नीति को पंचायत से क्या लेना देना है ना, तो इसका ऑप्शन होता है डी। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री ने पहले उपयोग नहीं करने की नीति की पुनः समीक्षा की? आपको पता होगा जब हम मिसाइल बना रहे थे, तो मिसाइल बनाने के बाद हमने डिसाइड करा था कि हम लोग जो मिसाइलें हैं ना उसका अटैक पहले नहीं करेंगे, पहले अटैक हम नहीं करेंगे, पहले अटैक हम किसी और को कहेंगे करने के लिए। लेकिन इस बार नई गवर्नमेंट आई 2014 की गवर्नमेंट, 19 की गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा नो फर्स्ट यूज़, उसको हम दोबारा से रिशेड्यूल करेंगे। तो ऑफ कोर्स मोदी जी ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है, नो फर्स्ट यूज़ को अब हम सोचेंगे, हमें करना नहीं करना है, वो हमारे ऊपर है। तो इसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इसको नो फर्स्ट यूज़ को दोबारा
बोलने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स ये वाला है, इसको हमें खुद से करना पड़ेगा तुम्हें। पंचशील एग्रीमेंट भारत और चीन के बीच कब हुआ? तो ऑफ कोर्स ये पंचशील एग्रीमेंट 29 अप्रैल 1954 के टाइम पीरियड में हुआ था। तो नो, ये आप फोकस कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन 35 है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से 1962 के अंदर भारत चीन का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है? आई थिंक इसका जी ओनली 4 है, क्योंकि वीपी मैनन ने इस्तीफा दिया था, बिल्कुल फैक्ट है। उसके बाद पहली बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के खिलाफ आया था, बिल्कुल सच है। सीपीआई दो पार्टों में बटी थी, सीपीआई एम है ना, और उसके बाद ये जो नागालैंड राज्य है ना, वो 1962 के अंदर नहीं बना था। नागालैंड अगर आप देखें तो 1963 के अंदर बना था, है ना। तो इसीलिए इसको ऑप्शन जो है वो हमारा हो सकता है डी। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत की विकास नीति के आरंभिक चरण का हिस्सा नहीं था? मतलब अगर शुरुआती समय में अर्ली फेज देखा जाए इंडिया के डेवलपमेंट का, तो इनमें से कौन सा नहीं था? सरकार ने कहा निजीकरण नहीं करेंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, और जो अब हम धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38, सीमांत गांधी किन्हें बोला जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी इनको बोला जाता है, तो इस पर आप फोकस मत करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा को कब संबोधित करा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेट आप देख सकते हो 11/12/13, जानबूझ के कन्फ्यूज़ करने के लिए इस पर बनाई गई है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर आंसर बताइए फटाफट, अगर किसी को पता है तो। खाई ऑफ कोर्स खान अब्दुल गफ्फार खान है। ये आंसर बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कब क्या कहते हैं संविधान सभा की बैठक या बुलवाई कॉल, 11 अगस्त। ठीक है, 11 अगस्त है, बिल्कुल सही, 11 अगस्त सही आंसर है, सही आंसर है भाई, वेरी गुड, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 40। जिस समय हमने रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बनाई थी, तो हमने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, है ना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो इसे आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला भाषण जो दिया था उसका मतलब था थ्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि भाग्य वधु से चित्त परिलक्षित होना। मतलब हिंदी में तो इसका ट्रांसलेशन इतना गंदा है, इतना ज़्यादा गंदा है कि मैं क्या करूँ कि CBSE वालों को, NCERT वालों को, मुझे लगता है जब ये ट्रांसलेट कर रहे थे तो इनमें से कोई बंदा PK से ट्रांसलेट कर रहा था। इतना टफ हिंदी तो बच्चा वैसे ही नहीं लिख सकता है ना। भाग्य के साथ मिलन होना, ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये अलग ही कुछ अलग ही चल रहे हैं ये लोग, पता नहीं कैसे चल रहे हैं, समझ में नहीं आता। अर्धरात्रि का सूर्योदय था, ये तो हमें पता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेहरू जी की लाइफ के लिए भी और हमारे लिए भी, है ना। नेक्स्ट, राज्य किसके आधार पर बांटे गए थे? तो उनका सिद्धांत था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेस, है ना, राज्यों को इनके आधारों पर बांटा गया था। हथियार लड़ने से अच्छा है जबान लड़ाई रहे, ये वाले स्टेटमेंट अब हम, बिकॉज वी आर इंडियंस, तो हमने ये स्टेटमेंट किसने दी? एक बंदे ने तो स्टेटमेंट दी थी कि UN जो है वो ऐसा है कि वो कभी भी क्या कहते हैं आपको नर्क तक लेके न हो, स्वर्ग तक लेके नहीं जा रहा, तो नर्क भी आपको नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये बताना है कि हथियारों से लड़ने से अच्छा है, जो इज़ बेटर देन वॉर, मतलब हथियारों से लड़ने से अच्छा है कि मुँह से बातचीत करते रहो भाई। किसी ने चर्चिल बताया है, और चर्चिल नहीं है भाई, चर्चिल है क्या? चर्चिल कहते हैं, बिल्कुल सही, चर्चिल कहते हैं, मुझे शशि थरूर आंसर लग रहा था, पर चर्चिल इज द राइट आंसर, चर्चिल, वेस्टर्न चर्चिल भाई, वेस्टर्न चर्चिल, UK के PM रह चुके हैं, UK के PM,
वेस्टर्न चर्चिल, इन्होंने ही सबसे पहले थ्योरी दी। शशि थरूर नहीं है भाई आंसर ये बुक में, एनसीईआरटी की बुक की छोटी सी लाइन से आपसे क्या कहते हैं इसमें आंसर पूछ लिया आपसे, बताओ छोटी सी लाइन से। जो शशि थरूर बोल रहा है वो यहाँ देख ले, चर्चिल कहते हैं हथियार लड़ने से बढ़िया है जुबान की लड़ाई लड़ी जाए। क्लास 12th की स्टेटमेंट है ये, तो आप इसे सर्च कर लीजिएगा, मैंने स्टेटमेंट से निकाला है इसे। नेक्स्ट, कथन गलत का पता लगाइए इसमें से कौन सा गलत है। तो ये गलत है भाई, ठीक है। सुरक्षा परिषद के अंदर 5 अस्थायी और 10 स्थायी सदस्य होते हैं, ये गलत है। 5 अस्थायी नहीं होते, स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, ये चेक कर लीजिए, ये गलत स्टेटमेंट है। विंस्टन चर्चिल है बिल्कुल सही, तो ये गलत हो गया। अच्छा, वर्तमान समय में कौन है महासचिव भाई? एंटोनियो गुटरेस। बहुत इजी है, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के पीएम, आप देख सकते हो भाई, ये ऑफ कोर्स इंग्लिश में भी दिखा रहे हैं भाई, इंग्लिश में भी दिखा रहे हैं, हिंदी में भी दिखा रहे हैं। द यूएन एजेंसी कंसंट्रेट विद द सेफ्टी एंड द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अच्छा हाँ, यूएन की इनमें से कौन सी एजेंसी है जो कंट्रियों के ऊपर ये फोकस रखती है कि वो बताती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सरकार को या देश को सिर्फ हमें मतलब इसलिए करना चाहिए ताकि वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इस्तेमाल करी जा सके। तो इसमें से कौन सी एजेंसी दोस्तों, वो है आपकी बी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एनर्जी ये देखती है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, वो ये देखती है कि किस तरीके से जो भी हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए करें, बम बम के लिए ना करें। 47, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत यूनियन के विघटन का परिणाम नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है, परिणाम नहीं है? रशियन रेवोल्यूशन इसका परिणाम नहीं है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन तो पहले ही हो गया था। देखिए इसका क्या आंसर आप लगा सकते हैं, ओके 11th 12th मैंने आपसे पढ़ा, श्रेया जी कह रही हैं, या डी ऑप्शन मुझे भी लग रहा था, डी है। 48 ये स्टेटमेंट है, से हटाओ, ये तो क्या कहते हैं क्रैब है, ठीक है। और इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है एक प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, वियतनाम वॉर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए और बी दे रखा है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फिर खुर्शेव, जॉर्ज वॉशिंगटन, जे एफ कैनेडी, जॉनसन, जॉनसन इनका नाम है, ठीक है ना, जॉनसन इनका नाम है, जो अपने आप को कहते थे कि मैं तो वियतनाम वॉर में जीत जाऊँगा, पर वॉर में ऐसी हो गई उनकी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, बता दीजिए इस पिक्चर में क्या डिस्क्राइब करा जा रहा है, जल्दी से। नंदी जी कह रही है सर मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आपसे पर्सनल, कैसे होगी भाई? पॉसिबल नहीं है नंदिनी जी, नंदिनी जी पॉसिबल नहीं है, लाइव क्लास पर्सनल लेना बहुत मुश्किल है मेरे से। जब पहले थी लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे थी, पर अभी पॉसिबल नहीं है। फिफ्टी का सी बताया, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता भाई, सी बताया किसी ने, सी सही है, डी जिसने बताया वो गलत है। ज्योति ने श्रुति जोशी बता रही है डी, लेकिन सी इसका आंसर है, ठीक है, सी इसका आंसर है भाई। दफर क्या कहते हैं, सूडान अफ्रीका के कंट्री में से कंट्री है जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं दिक्कत हुई 2003 के अंदर, तो ये पिक्चर वही दिखाने की कोशिश कर रही, कोई भी कंट्री इनको मदद करने के लिए नहीं आया था। लास्ट, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग ही है जो उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो यानी कि अगर आपकी लाइफ में कभी मुश्किलें आती हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि सिर्फ वही लोग हैं जो उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो लाइफ में ये याद रखिएगा। अच्छा से अच्छा, दिल्ली नेक्स्ट मंथ आऊँगी तो वहाँ क्लासेस होगी ना? ऑफ कोर्स क्लासेस तो यहाँ होती है। अब एंड होगा क्या? या ऑफ कोर्स ये एंड हो चुका है भाई। वैसे तो और भी क्वेश्चन है, बट 10 बजे तक क्लासेस बहुत थी। मैं ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट कर रहा था, ये ज्योग्राफी के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। ज्योग्राफी के सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं। ये सब ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चंस होने हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आज के लिए इस क्लासेस के अंदर इतना ही है, हम आगे भी तो कवर करेंगे ना। और जो आपको क्या कहते हैं, पूरी तरीके से जो भी चीज़ें मिल रही है उसको डाउनलोड करिए, टेलीग्राम पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करिए। चैनल पे नहीं जुड़े तो चैनल पे जुड़ने की कोशिश करिए। हम चाहे 2 बच्चे हैं पर हम लाइव सेशन ज़रूर लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग कल नहीं होगा, कल पर शाम को ही क्लास होगी। कल शाम को आप सभी लोगों को क्या कहते हैं, 9 बजे क्लास में मिलेंगे। क्लासेस तो ऑल ओवर इंडिया होती है सर की, ये ऑफ कोर्स ऑल ओवर इंडिया होती है। अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी तो उन्हें। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज़रूर जो भी आपका मुझे वो पेपर निकाल के भेज दीजिएगा। मुझे पूरी तरीके से वहाँ पे मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। ऑफलाइन क्लासेस होती है? ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं भाई। ऑफलाइन क्लासेस के बाद ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं आप सभी लोगों को उसको भी कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। वो जो ऑफिशियल वेबसाइट से जितने भी निकलेंगे वो क्वेश्चंस भी हम डील करेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी आप सभी लोगों के साथ अगली क्लास में। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, आप सभी लोगों से साथ। सर आप दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली में सर, मैं दिल्ली सर मेरा दिल्ली में घर है लक्ष्मी नगर। ओके, लक्ष्मी नगर इज़ टू फार फ्रॉम दिस। ट्यूशन फीस कितनी है? ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया यार तुमने। चलो मिलते हैं आप सभी से, जल्दी मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सेम उद्देश्य के लिए ज़रूर मिलेंगे। और ये लाइन जो पीछे लिखी हुई है, इस पर फोकस ज़रूर करिएगा। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्सों में आती है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है कि उन मुश्किलों को कैसे बेहतरीन तरीके से, ताकत है उन पर, ठीक किया जा सकता है, ठीक है? आई एम ऑल्सो फ्रॉम द दिल्ली। ओके, ठीक है जी, सारे मुझे लगता है दिल्ली के ही हैं। तो ज़िंदगी का सफ़र लंबा है, तो क्या हुआ, थोड़ा आप चले थोड़ा हम चले, और बाद में थक गए तो हम रिक्शा कर लेंगे, लेकिन चलते रहेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में सेम टाइम पे 9 बजे। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत। दिस इज इट इन दिस वीडियो।